वेलकम बैक अगेन। अब आ जाए नेक्स्ट जो स्कीम ऑफ आर्टिकल है, दोज आर्टिकल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हिच आर स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 254, 55, 56 एंड 57, 58 एंड 59। दोज आर्टिकल व्हिच आर रिलेटेड विद द जजमेंट्स, व्हाट इज द रिलेवेंसी ऑफ द प्रीवियस जजमेंट, व्हाट इज द जजमेंट इन पर्सोनम, जजमेंट इन रेम। तो ये तीन जो कैटेगरियाँ हैं, कैटेगरीज व्हिच आर डिस्कस, व्हिच आर गिविंग द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द व्हाट इज द रिलेवेंसी ऑफ द प्रीवियस जजमेंट। एनी प्रीवियस जजमेंट और ऑर्डर व्हिच पास बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट व्हिच हैज कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, दोज आर दी जो एक डॉक्यूमेंट है वो एक कानून, वो तो एक ऑब्लिगेटरी उसकी अहमियत होती है अगेंस्ट दी पार्टीज व्हिच आर कंटेस्टेड इन दी केस। तो अब वो इस तरह उस जजमेंट और ऑर्डर अगर वो एग्जिस्ट करता है और उसको अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स नहीं किया तो टिल देन दैट जजमेंट जो है वो उसको ओबे करना होता है पार्टीज को, उसकी रिलेवेंसी होती है, दैट कैन बी यूज्ड इन अनदर सूट और अनदर जो है सर्कमस्टेंसेस जो है किसी भी एज अ रेस ड्यूटी काटा। जिस तरह किसी भी कोर्ट के फैसले को सिविल लिटिगेशन में जो जुडिशियल प्रोसेस में उसको एक कानूनी हैसियत इस तरह होती है, जब आप सिविल लिटिगेशन में जाएंगे तो वो एज अ रेस ड्यूटी काटा या रेस सब ज्यूडिस या आर्डर टू रूल टू के तहत उसको रिलिंक्विशमेंट ऑफ दी एनी जो है वो रिलीफ जो है उसकी एक कानूनी हैसियत है वहाँ पे कि आप जब वंस केस हैज बीन डिसाइडेड, वंस इशू हैज बीन डिसाइडेड, देयर आफ्टर सब्सिक्वेंट लिटिगेशन विल नॉट बी अलाउड, ठीक है, ऑन द सेम इशू बिफोर द सेम कोर्ट। तो उस तरह नहीं हो सकता कि आप एक केस दाखिल किया वो आपके उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला तो दोबारा आप उसी पॉइंट पर जो है केस दाखिल कर दें, आप अगर जजमेंट से मुतफिक नहीं है कि आप कहेंगे नहीं ये जजमेंट मेरे तो हक में नहीं है तो मैं दोबारा केस दाखिल करके जो है या उसी कोर्ट में या किसी और कोर्ट से, या अगर जज चला गया अब ये जज मेरे मतलब का नहीं है अब इस जज के सामने मैं नया केस दाखिल करके फिर मैं रिलीफ ले लूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप इसी मसले पे दोबारा कोई केस दाखिल करेंगे तो अपोनेंट जो है वो जजमेंट लेके आप कोर्ट में आ जाएगा, सर दिस मैटर हैज बीन डिसाइडेड बाय दी अनदर कोर्ट या प्रीवियस जज या कोई भी एक्स वाई जेड होगा कि ये केस डिसाइडेड है कि वंस, क्योंकि कानून कहता है कि वंस a case has been decided on merit by the competent court of law, subsequent trial or subsequent suit will not be jo hai start on the same cause of action between the same parties between the same subject matter on the same subject matter. Isi tarah section number 403 jo hai criminal procedure kehta hai ki double jeopardy is not allowed in the criminal justice, ke once jo FIR hai usme agar kisi ko court ne acquit kar diya, kisi ko convict kar diya to dobara us FIR pe jo hai कोर्ट नहीं किसी को जो है ट्रायल चला सकती जो है उसमें फिर एक जो प्रिंसिपल है फ्रेश ट्रायल का, वो जो है फ्रेश ट्रायल के लिए उसमें कुछ असूल्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज जो है कोर्ट विल नॉट जो है कोर्ट उस चीज़ को कंसीडर नहीं करेगी। तो ये तो हो गया जो प्रीवियस जजमेंट की रिलेवेंसी। उसके बाद जजमेंट इन पर्सोनम, जजमेंट इन पर्सोनम इज दैट जजमेंट जो आर्टिकल 55 ऑफ कानून शहादत है कि जजमेंट इन पर्सोनम इज दैट जजमेंट के वो जजमेंट बिटवीन द सेम पार्टीज, अगर दो पार्टीज के दरमियान में मैटर डिसाइड हुआ है तो वो जजमेंट जो है जजमेंट विल अप्लाई ऑन दो पार्टीज नॉट अदर वन, कि किसी और पार्टी पे वो अप्लाई नहीं होती जजमेंट इन पर्सोनम जो होती है। तो जो मैटर की जिनके ऊपर वो रिलेवेंट होगी या जो केस की पार्टीज होंगी, तो जिस तरह दो पार्टीज के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे रिलेटेड कोई जजमेंट आ गई तो वो उन्हीं पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है। जिस तरह कोई एक FIR में जो लोग नॉमिनेटेड हैं अगर उनको कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दी 302 में या किसी अफेंस में तो वो उनको ही उसमें पनिशमेंट होगी, दूसरे किसी अक्यूज को नहीं होगी जिसने किसी दूसरी एफआईआर में सेम नेचर का ऑफेंस किया है, तो उसको हम कहते हैं जजमेंट इन पर्सोनम। और इसी तरह आर्टिकल 56 जो है जजमेंट इन रैम, यस बेट जजमेंट रैम जो है वो दैट जजमेंट जो है वो पब्लिकेट लॉ जो है वो उसकी बाइंडिंग होती है, अगर उसमें एक दफा जज ने किसी चीज को डिसाइड कर दिया, अगर उस केस में वो पार्टीज केस में हो ना हो, द
जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस होती हैं और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होती हैं या पब्लिक एट लॉर्ड जो है या जिसमें जो है टॉर्ट या इजमेंट्स राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे रिलेटेड जो जजमेंट्स होती हैं वो जजमेंट इन रेम होती है, मतलब कि वो कोर्ट फैसला देगी तो वो उससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो उन पे सब पे अप्लाई करेगी। तो ये एक मकसद होता है जजमेंट इन पर्सोनम का, जजमेंट इन रेम का, जो आर्टिकल 54, 55, 56 में वो डिस्कस है। तो ये तो था जो है डिस्कशन रिलेटेड विद दी प्रीवियस जजमेंट्स एंड जजमेंट इन पर्सोनम, जजमेंट इन रेम, और व्हाट इज दी जो इम्प्लीकेशन ऑफ दी प्रीसी कोर्ट डिसीशंस जो हैं, जुडिशियल डिसीशंस जो होते हैं। सो नाउ आफ्टर दैट देयर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, दोज आर्टिकल्स व्हिच क्रिएट थर्ड ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन। अब इस टाइटल से आप ये मत समझें, डू नॉट अंडरस्टैंड कि ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन का मतलब है कि ओपिनियन ऑफ द ट्रांसजेंडर। थर्ड पर्सन का मतलब है कि पार्टीज व्हिच आर नॉट रिलेवेंट विद द केस, मतलब थर्ड सोर्स। तो दैट ओपिनियन वी कॉल द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। अब व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड हाउ वी विल ऑब्टेन दैट ओपिनियन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, सो दैट इज द प्रोसीजर्स डिफाइंड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द प्रोसीजर डिफाइंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड देयर आफ्टर रेड विद द आर्टिकल ऑफ द कानून ए शहादत। There are a lot of cases which actually I am talking about the criminal judicial process. The lot of cases which are decided after obtaining the report from the experts. For example, जो है जिस तरह अनलाइसेंस आम की बात कर रहे थे, तो वेदर उसकी फिर वो जब FIR लॉज होती है, रिकवरी बनती, जब रिकवरी जो है मेड आउट होती है, तो वो जो आम मिलता है तो फिर उसको जो है केमिकल एग्जामिनर या उस जो है फायर आर्म एक्सपर्ट्स के पास उसको भेजा जाता है, ठीक है ना। तो फायर आर्म एक्सपर्ट्स के, तो अब उस एक्सपर्ट के ओपिनियन की कोर्ट में क्या हैसियत होती है और उसको उस ओपिनियन को क्या कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल हैं वो हैज बीन डिस्कस इन आर्टिकल 59 से लेके आर्टिकल जो है 66 तक जो हैज बीन डिफाइंड हाउ कोर्ट विल टेक द ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन व्हिच इज द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट टू डिसाइड एनी केस। तो उसमें बहुत सारे ओपिनियन जो है किसी केस से रिलेटेड लिए जा सकते हैं, जिस तरह मैंने एक अनलाइसेंस वेपन की बात की, ड्रग्स की बात की, ड्रग्स की कैटेगरी की, और जो है और वो ड्रग्स जो है कितनी मकदार में है, क्वांटिटी में है, या कोई जो है लिक्विड जो है रिकवर होता है तो उसको भेजा जाता है एक्सपर्ट के पास कि वो लिक्विड किस किस्म का है और बोतल में वाकई शराब है या पानी था या क्या था या शहद था। जिस तरह हमें एक केस में रिपोर्ट आई थी कि जो बोतलें मिली थी कहीं से तो उसमें शहद था, हनी थी, तो इसी तरह उसको जो है एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं। या ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, वो मैच किया जाता है किसी जो है कल्पर्ट के साथ या किसी इंसान के साथ, तो उसको हम डीएनए रिपोर्ट कहते हैं कि वो जो ब्लड सैंपल मिले हैं लाश के कपड़ों से या वो तो उस लाश के हैं या किसी और के हैं तो वो किसके हैं। तो वो जब वो डिसाइड होते हैं फ्रॉम बाय द ओपिनियन ऑफ द जो है एक्सपर्ट, या किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है जो है रिपोर्ट कॉल करती है। तो उसके लिए जो कोर्ट जो है कमिश्नर अपॉइंट करती है सिविल प्रोसीजर में, तो सेक्शन 75 और आर्डर 27 हैज बीन प्रोवाइडेड टू डिफाइन द गाइडलाइंस जो है रिगार्डिंग द हाउ टू अपॉइंट अ कमिश्नर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द कमिश्नर। और कमिश्नर रिसीवर जो है वो इज अ कोर्ट रिसोर्सेज, उसमें अपॉइंट जरूरी नहीं है कि कोर्ट जो है कमिश्नर कोर्ट से ही अपॉइंट करे। तो कमिश्नर जो अपॉइंट होता है फिर वो एक्सपर्ट से राय भी ले सकता है। और सेक्शन 100 जो है वो सीआरपीसी में है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर जो है उससे रिलेटेड है। तो जिसमें कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में, जिस तरह मैजिस्ट्रेट कमिश्नर अपॉइंट होता है रेड किसी की रिकवरी के लिए, कहीं जाकर रेड मारता है कि वहाँ पर इलीगली कोई डिटेन तो नहीं है, या वहाँ की जो सूरत हाल है आके सेशन जज को वो रिपोर्ट देता है, तो उसके लिए फिर वो कहीं पे रेड मारता है, तो वो सेक्शन 100 जो है सीआरपीसी डिफाइंड है उसके लिए। तो उसके अलावा
किसी भी चीज के लिए कोर्ट को अगर राय लेनी हो तो उसके लिए कोर्ट किसी को कमिश्नर अपॉइंट करती है, किसी की राइटिंग है या कोई जो ऐसा डिवाइस है जो उसके लिए कोई एक्सपर्ट दरकार होते हैं, या मेडिकल किसी की रिपोर्ट चाहिए, या इंजरीज है उसकी रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए जो एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आती है, फिर वो जो रिपोर्ट देता है तो वो रिपोर्ट जो है वो डिलीवर की जाती है अपोनेंट अपोजिट या एडवर्स पार्टी को, और वो एडवर्स पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन भी दे सकती है, और वो जिसने रिपोर्ट बनाई है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल आंसर वो एज ए विटनेस जो है वो कोर्ट में फिर प्रोड्यूस भी होता है। तो उसके लिए उसको हम कहते हैं एक्सपर्ट का ओपिनियन, और एक्सपर्ट के ओपिनियन को डिसक्रेडिट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि वकील को फिर कितना एक्सपर्ट होना चाहिए। तो फिर वकील को तो इसलिए कहा जाता है वकील जो है ही विल बिकम अ एक्सपर्ट ऑफ द मेनी थिंग्स व्हिच पर्सन इज रेजिस्टेंट टू पर्टिकुलर थिंग। तो उसके लिए आर्टिकल 59 है ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स दैट इज रिलेवेंट, एंड फिर आर्टिकल 60 दैट इज द प्रोवाइडेड कानून शहादत एज पर द जो आर्टिकल 60 है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। अब जो फैक्ट्स बियरिंग अपॉन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट जो है तो उसके लिए फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट और रिलेवेंट इफ दे सपोर्ट और इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट सच ओपिनियन आर रिलेवेंट। अब जो इट इज अ कोरोबरेटिव एविडेंस इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ बट इट इज कोरोबरेटिव एविडेंस कोर्ट विल कंसीडर इट but court is not bound, it is the discretionary of the power of the court, court may discard it by suo motu or by taking the opinion of the advocate of the adverse party, ke adverse party jo uske opinion ko discredit karti hai apne sawalon se uski knowledge se ke jo opinion aaya hai wo sahi nahi hai, or court will not consider it as it is submitted before the court, isliye ek principle hai kanun ka के रिपोर्ट ऑफ दी एनी पर्सन इज नॉट एप्सो डिक्सटो अपॉन दी कोर्ट, कोर्ट के ऊपर वो जो है एप्सो डिक्सटो मतलब उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, कोर्ट विल डिसाइड के वेदर दिस रिपोर्ट इज कंक्लूसिव और नॉट। तो फिर उसके लिए जो है आर्टिकल 61 को आप आर्टिकल जो है 84 और आर्टिकल 79 80 और 82 के साथ मिला के जब पढ़ेंगे के जो हैंड राइटिंग है या जो सिग्नेचर है या थंब इंप्रेशन है उसके लिए 61 के तहत ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट, के जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है या जिस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किए गए हैं अगर वो डिस्प्यूटेड है तो अगर कोई कहता है कि मेरी ये पेपर जो है जिसकी हैंड राइटिंग मेरी नहीं है तो फिर हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजते हैं कि भाई चेक करके बताओ वो कैसे करेगा, तो कोर्ट उस बंदे ने जिसको चैलेंज किया है तो उसकी प्रीवियस हैंड राइटिंग से या उसको कोर्ट कहेगी कि भाई लिख के अपने कुछ पैसे लिखो उसको फिर उसके साथ कंपेयर किया जाएगा तो उस पर भी एक्सपर्ट की राय ली जाती है। अब व्हाट आर द मॉड ऑफ द हैंड राइटिंग, देर आर सिक्स मॉड व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन कानून शहादत बाय द एविडेंस ऑफ द राइटर हिमसेल्फ या बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन हु हैज सीन द पर्सन हुज हैंड राइटिंग इज इन क्वेश्चन by the evidence of the person acquainted with the such handwriting either by receiving letters or any other source, by the evidence of expert in comparing handwriting ya expert ki evidence li jayegi, by the court comparing the document in question with the any other proof certification of the court may also direct any person present in the court to write any words or figures for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written with the words। to ye to article 61 tha, article 62 which is related with the opinion as to the existence of the right or custom when the relevant। ab opinion of the expert regarding the custom, what is the custom jo reet rawaje hoti hain reetain hoti hain jo practice ki jati hai hamari society mein किसी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी में या किसी जो है मखसूस हल्के में, तो उस कस्टम के तहत कुछ लोग कोई एक्ट परफॉर्म करते हैं तो उस एक्ट को अगर कोई कहेगा कि ये कस्टम है तो उसकी एविडेंस जो है किसी एक्सपर्ट से ली जाएगी कि व्हाट अब कस्टम क्या होता है, जो रवाज रीत कस्टम जो होता है उसके लिए जो हमारे पास ज्यूरिस्प्रूडेंस में है उसका आंसर ये है कि कस्टम इज दैट थिंग व्हिच थिंग हैज बीन प्रैक्टिस इन अ सोसाइटी कंटिन्यूसली जो है फ्रॉम पास्ट टाइम जो है इनडेफिनेट टाइम के लिए जब वो स्टार्ट हो और कंटिन्यूसली हम उसको प्रैक्टिस करें वो एक कस्टम बन जाता है।
लेकिन अगर वो चीज़ बीच में कहीं ब्रेक हो जाए तो वो फिर कस्टम नहीं कहलाती। मतलब हमारे प्रेडिसेसर्स, हमारे जो आबा अजदाद हैं, जो उसको एंसेस्टर्स हैं, तो वो अगर उसको परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली, वो जनरेशन टू जनरेशन जो है, लेकिन उसमें किसी चीज में गैप आ गया, एक जनरेशन दो जनरेशन ने उसको नहीं किया, तो फिर वो कस्टम की कैटेगरी में नहीं आता। तो उसके लिए फिर एक्सपर्ट की राय ली जाती है, तो उसको भी कोर्ट कहती है दैट इज रिलेवेंट फैक्ट। फिर आर्टिकल 63 है और 64, जो ओपिनियन 63 और 64 जो है, दैट इज रिगार्डिंग विद द रिलेशनशिप व्हिच आर क्रिएटेड बाय द जो है एनी डॉक्यूमेंट। अगर किसी इंसान के दरमियान में कोई रिलेशन क्रिएट हो, जिस तरह लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन है, तो वो एक टेनेंसी एग्रीमेंट के जरिए क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो अ पर्सन बिकम अ टेनेंट, तो उस रिलेशन के लिए जो ओपिनियन है उसको अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कंडक्ट देखा जाएगा कि जो बंदा किसी चीज़ में रह रहा है तो किस हैसियत से रह रहा है। तो उसके कंडक्ट को देखा जाएगा कि वो किस हैसियत से रह रहा है, तो उस ओपिनियन को भी कोर्ट जो है मद्देनजर करेगी। फिर उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 65, ग्राउंड्स ऑफ द ओपिनियन रिलेवेंट, whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant. An expert may give account of the experiment performed by him for the purpose of forming the opinion. So, ये तो articles जो हैं we have studied, those articles which are related with the statement of a person or opinion of a person which is not related with the case, but that opinion will be taken as the expert opinion regarding the thing which court can not decide without taking the view of the jo hai koi fact agar prove karna ho, for example koi building gir gayi hai to usme jo koi building gir gayi hai to uska jo material discuss hota hai to us material pe to expert engineer ya uska nakshe ke mutabik wo cheez nahi banayi gayi, to engineer jo hai wo batayega, uska opinion jo hai wo देखा जाएगा। या कोई मैप है उसके लिए आर्किटेक्ट जो है वो दैट विल गिव द एनी स्टेटमेंट, और डॉक्टर जो है किसी भी, तो उसके लिए जो है फिर वो रिपोर्ट जो है वो कॉल की जाती है। जिस तरह का कोई इंजरी है किसी की, तो उस इंजरी के तहत मुख्तलिफ पनिशमेंट्स डिफाइन है पाकिस्तान पेनल कोड में। अब उस इंजरी के नेचर को जानने के लिए इनिशियल जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, फिर उसके बाद जो है वो MLO देता है, मेडिकल लीगल ऑफिसर जो होता है रिकॉग्नाइज, वो हर ऑफिसर नहीं देता, वो मेडिकल लीगल ऑफिसर देता है। तो इनिशियली वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देता है, फिर उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आती है मेडिकल रिपोर्ट जो है, उसमें वो नेचर ऑफ इंजरीज जो है उसके मुताबिक जो है फिर उसको कोर्ट सजाए देती है अगर वो प्रूव हो जाए तो। उसके अलावा पोस्टमार्टम जो है उसकी कंडक्ट किस तरह होता है और उससे रिलेटेड और चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए जो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है उसके लिए कानून शहादत और ऑल अदर रिलेटेड लॉज जो है उसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। तो कानून शहादत के जो आर्टिकल 59 to 65 जो है वो हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन जो है वो किस तरह लिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 66, आर्टिकल जो है 66 से लेकर आर्टिकल 69, 66, 67 और 68 और 69, दीज आर्टिकल आर रिलेटेड विद द करेक्टर ऑफ द विटनेसेस। अब करेक्टर ऑफ विटनेसेस जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस, जो है आर्टिकल 3 व्हिच इज रिलेवेंट, हु मे टेस्टिफाई एंड व्हाट पर्सन रिक्वायर्ड टू टेस्टिफाई, आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 78, 79 और उसके अलावा आर्टिकल 145 से लेकर 155 तक जो है उसमें इम्पीचमेंट ऑफ विटनेसेस, होस्टाइल और करेक्टर ऑफ विटनेसेस जो है 149 जो है वो भी रिलेटेड आर्टिकल हैं। दीज ऑल आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो करेक्टर ऑफ द विटनेसेस जो है वो हुदूद में तो मैंने डिस्कस किया था, जिसमें आर्टिकल नंबर 3 जो है जिससे हुमे टेस्टिफाई टू डिसाइड द केसेस अंडर द एम्बिट ऑफ द हुदूद लॉज, देयर करेक्टर ऑफ द विटनेसेस विल कंसिडर दे मस्ट पजेस द गुड करेक्टर, they fulfill all the requirement of tazkiya shuruj, जिसमें वो सादिक और अमीन होना ज़रूरी है। अब सादिक और अमीन के लिए ये मतलब नहीं है कि आप दो विटनेसेस जो है वो एक सादिक दूसरे अमीन को बनाए, नहीं,
सादिक और अमीन का मतलब है कि वो पांच वक्त के नमाजी हो, कभी झूठ ना बोला हो, कभी वो कन्विक्टेड ना हो परजुरी के ऑफेंसेस में, या परहेज और जो है तकवा जो है पूरी वो मेयार जो इस्लामिक एक मेयार है ज़िंदगी के गुजारने का, उसके मुताबिक वो उसका मेयार पे पूरा उतरता हो, वो तो आ जाए हुदूद में। लेकिन तो उसके लिए उसकी गवाही जो है उससे इस हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन जब सिविल केसेस हैं, सिविल केसेस में गवाहों का मेजर होना और उनका प्रीवियस कंडक्ट और करेक्टर क्या है उसको जो है और उसका रिलेशन क्या है वो देखा जाता है। लेकिन क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस में कंडक्ट ऑफ द विटनेसेस विल नॉट जो है क्रिमिनल में जो है इसमें इस आर्टिकल 67 दैट आर्टिकल 67 जो है कि क्योंकि इसमें कुछ लोगों को जो है इसमें कुछ कन्फ्यूजन ये है कि आर्टिकल 67 और 66 जो है दैट के उसमें डिफाइंड है कि करेक्टर जो है वो सिविल केसेस में उसका इफेक्ट कितना है और 67 के तहत के क्रिमिनल लॉ में उसका कितना इफेक्ट है। 66 इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इंप्यूटेड 11 जो सिविल केसेस हैं उसमें जो कंडक्ट ऑफ द करेक्टर ऑफ द विटनेसेस जो है इरेलेवेंट है, वो कोर्ट उसको उतना नहीं कंसीडर करती। और लेकिन क्रिमिनल केसेस में जो है कंडक्ट इन 67 आर्टिकल है इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर इरेलेवेंट के जो है जो विटनेस का प्रीवियस जो कंडक्ट है मस्ट बी अ गुड कंडक्ट मोरल एंड पजेस अ गुड करेक्टर। तो वो जो आर्टिकल 3 आर्टिकल 66 67 68 69 एंड आर्टिकल 149 155 151 150 दीज आर आर्टिकल रिलेटेड विद द कंडक्ट करेक्टर ऑफ द विटनेसेस हु आर प्रोड्यूस्ड टू प्रूव एनी फैक्ट। सो देयर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनी फैक्ट जो है वो रिलेवेंट है इरेलेवेंट है, वो इससे जरिए आप किसी भी विटनेस को इम्पीच कर सकते हैं, उसको क्रेडिट और डिसक्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक आपका आर्ट है जो आप लर्न करते हैं कि किसी पार्टी के गवाह को आप डिसक्रेडिट किस तरह करें, एक तो थ्रू क्वेश्चन के उसकी जो स्टेटमेंट है उसको थ्रू कंट्राडिक्शन एंड थ्रू इट्स करेक्टर। तो फिर क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस जो है सिविल जुडिशियल प्रोसेस जो है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्रिमिनल में तो एज और मेजॉरिटी को नहीं देखा जाता, लेकिन सिविल में देखा जाता है कि उसका क्रेडिट। लेकिन जो पर्सन मुसलसल कीप गिविंग एविडेंसेस इन एवरी केस तो वो कोर्ट बट जो है उसको भी कोर्ट जो नॉमिनेट कर देती है कि दिस पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू गिव एविडेंस इन एनी केस। तो उसमें फिर कैटेगरीज ऑफ विटनेसेस आ जाती हैं, चांस विटनेसेस, चाइल्ड विटनेसेस, इंटरेस्टेड, इंडिपेंडेंट, होस्टाइल, जो एक्सपर्ट। तो ये विटनेसेस की कैटेगरीज के हिसाब से फिर उनके ऊपर आर्टिकल जो है वो अप्लाई होते हैं।